प्यारे मित्रों, ये लोकगीत और कुछ चुटकुले आपके लिए लाए हैं अमर कैसिक इंद्र स्त्री मेरठ रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक नंदराम आर्य ग्राम बूचा नांगर जिला बिजनौर, और ढोलक पर रोहतास सिंह साथ दे रहे हैं जो ये भी बूचा नांगर बिजनौर के निवासी हैं, खंजरी पर होमेंद्र कुमार। तो सुनिए, ये कुछ लोकगीत और चुटकुले आपके सामने पेश हो रहे हैं। तो देखिए, अब आगे आपके सामने एक होली याद आई संतरासी का। आप सबको मालूम है, एक भयंकर बीमारी हमारे देश में आई थी जिसने बहुत परेशान किया, संतरासी। तो देखिए, ये आर्य इलेक्ट्रॉनिक्स कविता कैसे सेंटर, ये सैदपुर चौराया, ये फिर से 551 रुपए प्रोग्राम के लिए भेज करती है। धन्यवाद धनसुखा। तो ये संतरासी में एक भयंकर बीमारी देश में आई थी जिसे कहते थे डिस्को बुखार। बुखार का नाम था डिस्को। बड़ा परेशान किया संतरासी में। आप सबको मालूम होगा, अरे चाले कर दिए चाले। एक होली तैयार की थी उस समय हमने, भाइयों चाले कर दिए चाले, डिस्को ने कर दिए चाले। डिस्को ने कर दिए चाले, चली भयंकर ये बीमारी, चला भयंकर रोग, दुखी हुए लोग रात दिन, सोगी सी का छाया, इस जाड़े ने कई कई हाथ कुदाया। किस तरह का जाड़ा चढ़े कर, कई कई तो ऐसा हो गया थे घर में जिसके चार, सभी बीमार था तेज बुखार पार नहीं पाया, देख देख के हर कोई चकराया। कोई कहे ये गैस विदेशियों ने भारत पर है छोड़ा, जिसके कारण रोग फिरे है जहां तहां दौड़ा दौड़ा, और कोई कहे मर के बीतेगी दिल भैसे सबके हाल, डिस्को ने कर दिए चाले, डिस्को ने कर दिए चाले। थे परेशान डॉक्टर सारे, डॉक्टर भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान, मेरे भगवान आफत में जान ये कैसी आई, दिन सारा हो गया रोटी तक नहीं खाई, हो गई सुबह से शाम, हाय रे राम करे ना काम, अकल चकराई, अभी 20 आदमी थे और 30 लुगाई। डॉक्टर परेशान, सारे दिन होश नहीं मिल जा रोटी खाने का भी, अभी 20 आदमी थे और 30 लुगाई, देखा और तो बहुत खड़ी है, टेबलेट भी खत्म हुई, एजेंसियों पे ना पाई, पानी के इंजेक्शन लगा लगा के टाल दिए भाई, अरे होता ना आराम, दवाई चाहे जितनी खा ले, डिस्को ने कर दिए चाले। चाहे जितनी खा ले, कितने गए गहीने करने,
उस मौके पे जो गहीना करने निकल गया ना तो बहुत दिनों लो घर आए के ना देखा जहाँ गया डिस्को की मस्ती हुई ले। एक चला गया ससुराल बुरा हुआ हाल था वही बवाल डिस्को ने ढाया। कई दिन हो गए अन्न तलक नहीं खाया। उधर माँ बापों को दुख जबर नहीं था सबर लेने को खबर वो बुढ़ा धाया। उसको भी शाम को झट जाड़ा चढ़ी आया। देखिए बुढ़िया बोली जी लौंडा ना लौटा ससुराल से 8 दिन हो गए। बुढ़ा बोला खबर लिया खबर तो लिया अभी लौटिए यो धोरे डंगरों की परेशानी। ये बोला को रुकूंगा थोड़ा ही आने जाने की देर। बुढ़ा जो चला वह रस्ते में सी हो गया शुरू। बुढ़े को जाए पड़ा भाई जहाँ लौंडा था बुढ़ा। अब बुढ़िया देखे बात उधर अभी बुढ़ा ना लौटा भाई। इसी फिकर में बुढ़िया को भी लिया डिस्को ने कब जाई। अरे खड़े मवेशी भूखे प्यासे घर में कैद हवाले। डिस्को ने कर दिए चाले। ऐसी दशा की इस बीमारी और एक बात एक जगह और देखी इसकी कली जोड़नी पड़ी। संतरासी की ओ गजब बीमारी। संतरासी का साल कहूं क्या हाल। दाढ़ी के बाल बनाए रहा नाई। चढ़ी आया जाड़ा लगा कांपने भाई। मत दिए उस तरह मार मेरे तू यार। वो कह रहा यार तेरे हाथ कहाँ पे चल रहे हैं उस तरह मारेगा कैसे करेगा। नाई का मामला खराब हो गया सारे शरीर सारा कांप रहा हाथ कहीं के कहीं जा रहे। के मत दिए उस तरह मार मेरे तू यार रहा घबराई। कैसे करूं मैं नाई ने फरमाई। के हाथ करे ना काम मेरे बस है काबू में गात नहीं। थर थर काया कांप रही भैया अब मेरे बस की बात नहीं। और यू के अरे आधी तो कर दई मैंने तू आधी और कहीं बनवा ले। डिस्को ने कर दिए चाले। आवाज दे गाल से साबुन लग रहा लिए फिर रहा बेचारा दूसरे की दुकान। ये दशा हुई और हम भी रगड़ दिए डिस्को ने। हमें भी खूब रगड़ा हम क्या कहेंगे लाड साहब थे। दिए हम भी रगड़ तमाम परम नंद राम गाने का काम हुआ ठप भाई। कुछ मैं था ठीक एक आई अचानक साई। ना थी सतीश की आस नहीं था रोहतास नरेश के पास। शेरी झूला क्या डूब गए क्या कोई तो चलो प्रोग्राम पे। बोला जी अपने बस की बात नहीं अब भैया चलना पड़ेगा। बोला जी कपड़ा और जो झोलो तो छेद तो जाऊंगा टेक नहीं बोलने का। तो मैं कहा चल जैसा होगा देखा जाएगा। जब तुम आए चलो सेज में ढोलक रहूं बजाता मैं बोला बन गया काम रहूं धीरे धीरे गाता मैं। अरे संतरासी डिस्को की होली नंद राम कथ गाले। बीमारी ने परेशान किया है तो इसी के साथ साथ एक होली और है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी गांव की जोड़ रखी थी। कुछ धोरे पास के गांव थे तो ये होली तैयार की थी। कोई खास तो नहीं है लेकिन फरमाइश की वजह से सुनानी पड़ती। भला चेहला पासिए की चेहला चेहली के पासिए की चेहला।
पास एक चेहलाए पड़ोसी गांव है हमारे, भोली नार कोट में देखी धुंधली में दो खैबड़ी नार। भोली नार कोट में देखी धुंधली में दो खैबड़ी नार, उसके धोरे बस है तबीबपुर जिनके बालम चतुर सुजान। उसके धोरे बस है तबीबपुर जिनके बालम चतुर सुजान। जबर जोरू किरतपुर की देखी जी जहाँ मारे हैं पति को अकेला, चहली के पास एक चेहरा। फुवड़ नार मदारीपुर में, फुवड़ नार मदारीपुर बे निका की देखी चहली में, चतुर नार बूचा नंगल की एक ही एक सहेली में। ये सोच रहे हैं कि भाई बड़ाई करी अपने गांव की, भला जब होली हमने तैयार की थी फिर अपने गांव की बुराई कैसे कर सके। चतुर नार बूचा नंगली की एक ही एक सहेली में, लंगड़ी नार छजूपुर देखी जहां पति से करावे टहला, चहली के पास की चेहरा। छोटी नार बिराल में देखी लंबी है पीपल साने में, छोटी नार बिराल में देखी लंबी है पीपल साने में, गोरी नारी इस्माइलपुर है गाने और बजाने में। पतली नार नसीरपुर देखी जहाँ खिले है फूल अलबेला, चहली के पास एक चेहरा। लड़का नार गढ़ी में देखी, लड़का नार गढ़ी में देखी धोके बाज है नायक नंगी लेकी, छलिया नार रायपुर देखी जैसे निगाह है बगिले की। लड़का लड़की मांगे माई पे जहाँ साधु पड़ा है अकेला, चहली के पास एक चेहरा। चहली के पास एक चेहरा। तो देखिए ये रामा इलेक्ट्रॉनिक्स नूरपुर, ये भी 101 रुपया इस प्रोग्राम के लिए भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। धन अच्छे कामों में लगता रहे और धन में वृद्धि।
तो इस तरह से गीत याद आया मुझे। रक्षाबंधन का त्योहार था, एक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही और देखिए दक्षिणा में क्या मांग रही थी। कमाल की चीज मांगी, लिखा है कवि ने, अरे साल में सलोने आए। देखिए किस तरह से बहन मांग रही, साल में सलोने आए मेरी जननी मक्के जाए राखी की बंधाई दे। ओ साल में सलोने आए साल में सलोने आए मेरी जननी मक्के जाए राखी की बंधाई दे। आगे कह रही के पार साल मैं नहीं आई थी लेकिन पहुंचाई पहुंची। पार साल मैं नहीं आई थी लेकिन पहुंचाई पहुंची, खबर जो पहुंची तो ये पहुंची, पहुंची यहाँ पर नहीं पहुंची, पता न पहुंची कित पहुंची, अब पहुंची लेकर खुद पहुंची। पता न पहुंची कहाँ पहुंची, पहुंची लेकर खुद पहुंची, पैदल आई राही राही केसरिया की पहुंची, लाई दक्षिणा कुछ भाई दे। ओ साल में सलोने आए मेरी जननी मक्के जाए राखी की बंधाई दे। कह रही के उसी पेट से तू जन्मा और उसी पेट से मैं भाई, इंसाफ से कह दे सब चीजें तेरे हिस्से में क्यों आई। इंसाफ से कह दे सब चीजें तेरे हिस्से में क्यों आई, तने एमए की डिग्री पाई मुझको ना विद्या सिखलाई। तने एमए की डिग्री पाई मुझको ना विद्या सिखलाई, मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, ना तेरा चांदी सोना चाहिए ना ढेला दमड़ी पाई दे। ओ राखी की बंधाई दे। यूं क्या मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, ना तेरा चांदी सोना चाहिए ना ढेला दमड़ी पाई। देखिए भैया ने जब ये शब्द सुन तो बात बहन की सुन भैया के सीने में चुभ गए भाले। बोला जो सामान मेरे पे सब अपने नाम करवा ले, सब अपने नाम करवा ले, चाहे जितना जेवर बनवा ले, चाहे कीमती साड़ी मंगवा ले। चाहे जितना जेवर बनवा ले, चाहे कीमती साड़ी मंगवा ले, धर दूं आगे चीर कले जा, धर दूं आगे चीर कले जा, जो चाहे सो घर से ले जा, मत ना मुझे बुराई दे। साल में सलोने आए मेरी जननी मक्के जाए राखी की बंधाई दे।
बहन बोली, भैया शायद तुम्हें बुरी लग गई मेरी बात। ना ना भैया, ये चीजें नहीं मांग रही, बता रही। बहना बोली, ये चीज जो तेरी भैया मुझको ना चाहती, लाल जवाहर हीरे मोती ना मैं जेवर बनवाती, ना कीमती साड़ी मंगवाती, तेरा चाहती ना है दुसाला में, तेरा चाहती नहीं दुसाला में, बस कन्या पाठशाला में एक कमरे की बनवाई दे। पाठशाला में एक कमरे की बनवाई दे, जो मेरी बहनें पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए। और इसके साथ साथ एक चीज और मांग रही, पानी दूध की तरह से भैया सबके संग मिलकर रहना, मेरी भाभी को भैया कोई अनुचित वाणी मत कहना, उस माँ की गाली मत देना। मेरी भाभी को भैया कोई अनुचित वाणी मत कहना, उस माँ की गाली मत देना, यही मांग रही है बहना। माँ को सूखा बास दे, माँ को सूखा बास दे, मुझे सत्यार्थ प्रकाश दे और यज्ञ करने की कढ़ाई दे। जाए राखी की बधाई दे, तो इस तरह से कितनी बढ़िया चीज उस बहन ने मांगी। अपने देश का सुधार हो, पढ़ लिख करके माता बहना विद्वान बने।